आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, गणतंत्र दिवस पर किसान के चोले में उपद्रवियों ने लाल किले पर धावा बोला। 26 जनवरी को जो कुछ भी हुआ उसका सीधा असर किसान आंदोलन पर दिखने लगा है। सिंघू बॉर्डर पर आज स्थानीय लोगों ने किसानों का विरोध किया है। ये देखिए तस्वीरें, सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें। तो आपको हम बता दें कि यहाँ सिंघू बॉर्डर पर ये जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं ये दरअसल स्थानीय लोग हैं, और इन लोगों ने अब साफ कह दिया है कि आप रास्ता खाली करो। किसानों को कह दिया है कि यहां से आप आंदोलन अपना खत्म करो, हटाओ यहां से, रास्ता खाली करो। किसानों से सड़क खाली करने को साफ साफ इन लोगों ने कह दिया है। इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर जबरदस्त तनाव बना हुआ है। स्थानीय लोग किसानों से सड़क खाली करने को कह रहे हैं। और आपको हम सीधे लिए चलते हैं सिंघू बॉर्डर। आशुतोष मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, तस्वीर तो बिल्कुल ही बदल गई है सिंघू बॉर्डर की। बिल्कुल, और सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि यहाँ हुआ क्या। मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ बिल्कुल इसी जगह पे नारेबाजी हो रही थी। जो प्रदर्शनकारी आए थे हाथों में झंडे लेकर के, बैनर लेकर के, ये जो बैरिकेड है, बैरिकेड के इस तरफ किसान बैठे हैं, उन्होंने अपने वॉलंटियर्स तैनात कर दिए ताकि फ्लैश पॉइंट ना हो, और यहाँ पर नारेबाजी हो रही थी जो झंडे लेकर के आए थे। अब वो कहाँ पर है वो भी आपको दिखा देते हैं एक बार सीधे। वहाँ जो बैरिकेड है वहाँ पर प्रदर्शनकारी झंडे और बैनर लेकर के खड़े हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, उस पॉइंट से भी 500 मीटर आगे से अंदर आने के लिए आपको अनुमति की जरूरत पड़ती है। पिछले दो दिनों से यानी कल से वहां से गाड़ियां हमारी भी नहीं आ पाती, हमें भी अंदर आना होता है। कैमरा माई के बावजूद आईडी दिखाना पड़ता है। यहां बड़ी संख्या में पुलिस जवान, सिक्योरिटी फोर्सेस मौजूद है, बावजूद उसके वो वहां से अंदर आए और आने के बाद यहाँ पर नारेबाजी शुरू हुई। जाहिर है परसों जो हिंसा हुई, जो गणतंत्र दिवस पर हुआ, यहाँ भी एक बड़ा बवाल हो सकता था। प्रदर्शन, हमारे पास जो तस्वीरें हैं, चारों ओर से दिल्ली पुलिस थी। ना तो प्रदर्शनकारियों को किसी ने रोका, ना ही उन्हें यहाँ से ले जाया गया। उन्होंने 5-7 मिनट अपना प्रदर्शन किया, इसके बाद ये चले गए। अब आपको उनकी मांगे बताते हैं। उनका कहना ये है कि गणतंत्र दिवस पर भारत को, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को का अपमान किया गया है, किसानों ने किया है, इसलिए ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरी बात जो उन्होंने कही ये कि हम तो इनको महीनों से खाते पिलाते थे, इनकी सेवा करते थे, हमारे किसान हैं, लेकिन अब हमको दिक्कत हो रही है, इसलिए सिंघू बॉर्डर तुरंत खाली कर दिया जाना चाहिए। कैमरे पर उनमें से कुछ ने अपने आप को हिंदू सेना संगठन का कार्यकर्ता बताया। उसके बाद फिर उन्होंने कहा नहीं, अब तो हम स्थानीय नागरिक हैं, हम चाहते हैं ये यहां से खाली हो जाए हाईवे, ये दिक्कतें हमें हो रही हैं। लेकिन अभी ये प्रदर्शनकारी यहां पर डटे हुए हैं, चारों तरफ फिलहाल पुलिस और सुरक्षा बल जो है वो मौजूद है। ये स्थिति आगे कैसी होगी ये कोई नहीं जानता। सीधे अब रुक करेंगे एक बार फिर से सिंघू बॉर्डर का, जहां पर देखिए ये जो नए प्रदर्शनकारी हैं ये कह रहे हैं अपने आप को कि ये स्थानीय लोग हैं, और इनका साफ तौर पर कहना है कि 26 तारीख को जो कुछ भी हुआ है उसके बाद ये नहीं चाहते हैं कि अब किसान यहाँ पर रहें। सिंघू बॉर्डर खाली करो, रास्ता बंद क्यों हुआ, रास्ते में छोड़ो ता इतना बनी हुई है। ये वही सिंघू बॉर्डर है जहां पर सबसे पहले आंदोलनकारी किसान आए थे, और लंबे समय, लगभग अब 64 दिनों का वक्त हो गया है, किसानों का आंदोलन जारी है, लेकिन तस्वीर बदली बदली सी आपको यहां पर नजर आएगी। पहले यही लोग इन किसानों को अन्न दिया करते थे, भोजन दिया करते थे, लेकिन अब यही लोग कह रहे हैं कि खाली करो इस रास्ते को। जिस तरह से 26 जनवरी को लाल किले पर उपद्रव हुआ, जिस तरह से उपद्रवकारियों ने वहां पर हंगामा किया, तोड़फोड़ की, उसके बाद पूरे देश में कहीं ना कहीं नाराजगी है। पूरा देश ये जानना चाह रहा है कि आखिर ये किस तरह के किसान हैं जो इस तरह की हरकत कर सकते हैं। इसीलिए अब कई जगहों पर इस तरह के प्रदर्शन की तस्वीरें अब देखने को मिल रही है। गाजीपुर बॉर्डर पर भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि कई टेंट अब खाली नजर आ रहे हैं, हालांकि अभी भी वहां पर राकेश टिकैत डटे हुए हैं, उनको अभी नोटिस थमाया गया है, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, लुकआउट नोटिस की तैयारी हो रही है कई किसानों के पर। और इस बीच सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें जहां पर तिरंगा लिए हुए स्थानीय लोग, बैरिकेड
और आपको हम बता दें कि इस बीच कई किसान संगठन, जिसमें दो मुख्य तौर पर किसान संगठन जो है, अब इस आंदोलन से अलग भी हो गए हैं। बाकायदा किसानों की तरफ से एक माफीनामा दिया गया है और कहा गया है कि जो कुछ भी 26 तारीख को हुआ वो बेहद दुखद है, निंदनीय है।